गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। हम हैं अभी हनले में और ये हमारा रूम था और ये बाहर का व्यू भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हमारी डोमी खड़ी है अपनी KTM ADP, ये बाइक की एक्सपल्स, और ये है पूरा यहाँ का कैंपस। धूप बहुत बढ़िया निकली हुई है और मौसम भी बहुत क्लियर है, बादल नहीं है आज। तो बस अब निकल रहे हैं उमिंगला के लिए, नूरबुला होते हुए वापसी आएंगे फोटुला होते हुए। तो यही हमारा प्लान है और आगे भी सोच रहे हैं कि आगे जाएं डेंचोक जो लास्ट गाँव है वहाँ भी जाएंगे। तो निकलते हैं, बस अब रेडी हैं और बाइक पे चलते हैं। ये जो रूट सीधा सीधा है ना यहाँ से नूरबुला वाला, कहीं मुड़ना नहीं है ना? क्या पता, ट्रैक तो बहुत सारे हो। फिर कैसे पता चले? सीधा ये वो नूरबुला टॉप पे जहाँ रोड मिलेगा ना, उससे लेफ्ट लेना, टॉप उसके ऊपर है एक्चुअल टॉप। तो अच्छा, फ्लैग तो दिखेंगे नीचे भी, पर एक्चुअल टॉप है वो उसके राइट साइड में। अच्छा, अपने को लेफ्ट जाना है। मतलब अभी नदी पार करके जो अब शिमले का बोर्ड होगा, शिमले 14-15 किलोमीटर का। अच्छा, वहाँ से जो ब्रिज आएगा ना शिमले से, उससे ऊपर जाना है फिर उमलिंगला। शिमले ब्रिज से जाना है हमने, तो लिखा हुआ है उमलिंगला। अच्छा, बोर्ड लगा हुआ है, मतलब बोर्ड लगा हुआ है। हाँ, सीधा 40 ले जाएगा, ब्रिज क्रॉस करके ऊपर चढ़ोगे तो उमलिंगला। अच्छा, यहाँ से बीच में कोई ऐसा कट नहीं है ना बीच में? वही बता रहा हूँ मैं, एक तो ये रास्ता तो ये शायद इसी साल बनना है, ये कच्चे वाला। एक इसी रोड से आगे जाते रहोगे तो लास्ट में जाके बाइफर्केशन आएगा। अच्छा, पूछ लेना लोकल से, बता देना। अच्छा, पूछ लें। नदी एक ही आएगी अभी जिससे मैं हम गए उस पर देख भी नहीं। अच्छा, नदी तो क्या ही है, नाले हैं छोटे छोटे 5-7 फुट के, वो क्रॉस करके आए हैं रात। अच्छा, भाई साहब नदी पे। तो आप कितने बजे निकल रहे हो? अगर ये हमें टोस्ट दे दे तो ये हनले से नीचे वाला रोड ही है ना? ये यही जो अपने सामने है ना रोड। हाँ, अच्छा, यही सीधा निकल जाएगा आगे, ये रोड सीधा जा रहा है कह रहे। हाँ, बीच में पूछना पड़ेगा एक दो। चले गाइस, वी आर रेडी टू राइड और रास्ता अनजान है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो देखो पूछते पूछाते जाना पड़ेगा। निर्भुला वाला फोटुला वाला तो वो तो बिल्कुल सीधा है, पंगा लेना हमारा काम है, इसलिए हम चलते हैं। और ये है अम्मा गेस्ट हाउस, बहुत ही अच्छा, मतलब कि इनका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा, रूम भी अच्छे हैं, डावर खाना पीना भी बढ़िया खिलाते हैं। तो नहीं लग रही वैसे, तो हमेशा ज्यादा ही निकली है, कम ही रहने दो इसमें, कच्चे रास्ते पे कम ही ठीक रहेगी। लग रहा है कम कैसे होगी, तो ज्यादा ही ओके जाओ। चले, ये रूट जाएगा ना सीधा, ये उन पहाड़ के बीच में से रास्ता ना जो सीधा ऊपर है, मतलब ये जा रहा है, ये आगे जाके लेफ्ट में आपको दिख जाएगा, यहाँ जा से लेफ्ट। हाँ, लेफ्ट जाना है। ट्रेल बनी हुई है। तो आपका भाई, आपका दोस्त चल पड़ा है उमिंगला को फतेह करने, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, जो कि भारत में है। 19,000 समथिंग फीट है इसके, मोर देन 19,000 है। और अब हमें ये माउंटेन क्रॉस करके जानी है, ये सामने जो माउंटेन देख रहे हैं, और बीच में वाटर क्रॉसिंग भी आएगी इस रूट पे, और नूरबुला पास होते हुए जाएंगे और वापसी आएंगे फोटोला पास होते हुए, दोनों रूट करने हैं हमने। और ये रूट थोड़ा टफ है और कच्चा है, बहुत कच्चा रूट है, लेकिन ये 70 किलोमीटर डिस्टेंस है, उसका है 90 किलोमीटर, 20 किलोमीटर वो जो फोटोला वाला है, और लेकिन वो पक्का रोड है पूरा, और ये कच्चा रोड है, लेकिन ये 20 किलोमीटर कम है, टाइम उतना ही लगना है, लेकिन दोनों रूट करने हैं हमें। हम चले जा रहे हैं अनजान रास्ते पे, हमें पता भी नहीं है यहाँ का रूट। ये नूरबुला यहीं से जाएगा ना, नूरबुला उमिंगला नूरबुला ये रूट है। तो ये कच्चा रास्ता शुरू हो गया है, अब ये जितने भी निशान हैं मोटर के उसी के ऊपर चलेंगे, क्योंकि और कोई निशानी तो है नहीं यहाँ पे।
ये पूरा रास्ता ऐसे ही मिलने वाला है, कच्चा रास्ता। ये देखिए पूरा मैदान है, खाली मैदान। सिर्फ हम तीन व्हीकल जा रहे हैं, हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं है। और ये पूरा सिर्फ जो ये मिट्टी पे आने जाने का ट्रैक बना हुआ है उसी पे चल रहे हैं बस आईडीए से। और ये वाटर क्रॉसिंग छोटी मोटी आएंगी बीच में। वाह, चारों तरफ व्यू बहुत अच्छा है, ऐसे लग रहा है लोनली प्लेनेट पे आ गए हम, मंगल ग्रह पे आ गए। इन माउंटेन के बैक साइड पे जाना है हमें और ओमिंगला टॉप को फतेह करना है, जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास है। क्या व्यू है और क्या है ये रास्ता है। अगर हम जिमनी में आते तो यार मज़ा आ जाता ऑफ रोडिंग का। अगर आप ऑफ रोडिंग लवर हैं तो ये रास्ता ज़रूर यूज़ करें अपना ओमिंगला के लिए। पूरा कच्चा रास्ता है और मिट्टी वाला रास्ता है, और सिर्फ ये जो ट्रैक है बना हुआ है आने जाने का व्हीकल का, उसी पे जाना है बस। बाकी आप ये ना बनाओ तो आप तो भटक जाएंगे। अभी तक यही रेत का ट्रैक चल रहा है और ये सारी वाटर क्रॉसिंग आ रही है, लेकिन सारी सूखी पड़ी है। अभी इतनी आइस मेल्ट नहीं हो रही है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, और हम वैसे भी सुबह सुबह निकल पड़े हैं। 8:15 बजे हम निकल गए थे यहाँ से अपने होम स्टे से। तो सुबह सुबह निकलोगे तो आपको कम से कम वाटर क्रॉसिंग देखने को मिलेगी, वरना यहाँ अगर वाटर क्रॉसिंग भी हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। बहुत टफ ट्रैक है, बार बार स्लिप हो रही है बाइक, कई बार लूज मिट्टी आ जाती है उसमें, फिर स्लिप होने का चांस रह जाता है। ये सब वाटर क्रॉसिंग है छोटी छोटी जिसके अंदर से निकल रहे हैं। ये जब पानी आएगा तब पानी के अंदर से जाना पड़ेगा। जून जुलाई में तो यहाँ बहुत वाटर क्रॉसिंग मिलेगी आपको, तब ये टफ और ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो सामने माउंटेन आ गई है और ये बहुत बड़ी वाटर क्रॉसिंग है, लेकिन पानी नहीं है, शुक्र है पानी नहीं है। पानी के टाइम तो बड़ा मुश्किल होगा यहाँ से निकलना। तो अब ये माउंटेन के ऊपर हम आ गए हैं और पूरा मैदान पे हमने बाइक चलाई है, बिल्कुल मिट्टी के अंदर, मिट्टी वाले ट्रैक पे। अभी भी मिट्टी वाला ट्रैक है लेकिन अब माउंटेन के ऊपर आ गए हैं, पहले पूरा मैदान था अभी तक। और मार्क बीच बीच में मार्क भी दिए हुए हैं, तीर के निशान कि ऐसे जाना है, सीधा जाना है। ये देखिए यार, अगर जुलाई अगस्त में तो बुरा हाल हो जाएगा यहाँ तो, इतने वाटर क्रॉसिंग में तो। ये हमारे जो होम स्टे में ठहरे हुए थे हमारे भाई बंधु आए हैं। यहाँ से व्यू दिखाता हूँ आपको, कितनी दूर से आए हम। ये पूरा मैदान पार करते हुए आए हम। अब यहाँ से गाड़ियाँ चढ़ने से मना कर रही है अब इनकी, टाटा भी नहीं चढ़ रही है अब तो, वो बुलेट भी नहीं चढ़ रही है। तो ये माउंटेन की खड़ी चढ़ाई आ गई है, खड़ी चढ़ाई है ये। हाँ मोशन तो साइड से मोशन बनाना था ना, साइड से जैसे वो लेके गया, स्ट्रेट तो नहीं होएगा, साइड से होएगा। आज वो पानी नहीं है ना, वाटर क्रॉसिंग नहीं है कोई भी, अभी सारी सूखी पड़ी है वाटर क्रॉसिंग। हाँ वाटर क्रॉसिंग तो वहीं थी, बस एक और ऊपर ढूंढना आई थी। हाँ भाई वो नीचे ही थी सारी। तो गाइस हम पहुंच गए हैं निर्बुला टॉप पे, बहुत ही खतरनाक चढ़ाई है इसकी, और ये झंडियाँ लगी हुई हैं। ये टॉप की, ये टॉप है यहाँ का, और यहाँ से फिर अब जाना है आगे, और यहाँ से पक्का रोड बन आ जाता है, यहाँ पे मेटल रोड मिल जाएगा आगे थोड़ा सा आगे जाके। और ये मैं दिखा देता हूँ व्यू सामने से,
पूरा मैदान क्रॉस करके आए हैं, ये पूरा मैदान, ये नीचे वाला, और बहुत आगे से आए हैं। ये रास्ता है पूरा मैदान का, ये चारों तरफ का व्यू देख लो, ये देखिए। हमने एक टॉप और फतेह कर लिया है, निर्मला टॉप को। अब थोड़ी फोटोग्राफी करते हैं फिर चलेंगे। बहुत ठंड हो गई यार। तो हम हैं अभी नूरबुला टॉप पे। अब हमने जाना है या इस रास्ते से, कच्चा रास्ता जाके मेटल रास्ते पे मिल जाएगा। तो ये सारी हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो ये नूरबुला टॉप से हम नीचे उतर गए। तो निर्मला को क्रॉस करके अब निकल कर चले हैं। अब हम उमिंगला की तरफ, उमिंगला पास को फतेह करेंगे, उसके बाद चलेंगे धनचौक। धनचौक कौन सा गांव है इनका, चिशुमले, 15 किलोमीटर है चिशुमले यहाँ से, और उसके चिशुमले के बाद आई थिंक और 15 किलोमीटर होगा। अब है 33 किलोमीटर है और उमिंगला, चिशुमले आएगा पहले, चुसमले के जैसे शायद राइट जाएंगे तो उमिंगला का रास्ता आ जाएगा। उमिंगला के बाद धनचौक आएगा 25 किलोमीटर के बाद। अब हम नीचे उतर गए हैं निर्मला से, काफ़ी नीचे आ गए हैं। थोड़ी ठंड भी कम हो गई है, नहीं तो ऊपर तो बहुत ठंड लग रही थी। हाथ सुन रहे थे 1962, तो यहाँ बार हुई थी, शौर्य गाथा लिखी हुई है इधर। तो चुशमले से रास्ता शायद चेंज होगा। ये लिखा हुआ है धनचौक चुशमले वे टू मिंगला। अच्छा, ये दो रास्ते कट गए हैं, फोटिला 12। फोटिला के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा सीधा मिंगला। BRO कैफे, हाईएस्ट कैफेटेरिया, यू आर अप्रोचिंग वर्ल्ड। ये अभी लेटेस्ट ही बना है। मिंगला जाते हैं पहले, वापसी में देखेंगे कैफे में। हाईएस्ट मोटरेबल रोड, वेलकम टू द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड उमिंगला पास। तो चढ़ाई शुरू हो गई है, ये कैफे है आर्मी का, वापसी में हम आएंगे यहाँ पे। और उमिंगला वहाँ से, यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर होगा। और ये देखिए नीचे पूरी आइस जमी हुई है। तो यहाँ का टेम्परेचर कम से कम 0-1-2 ऐसा होगा, क्योंकि तो हाथ बिल्कुल सुन हो रहे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। हवा चल गई तो बहुत बुरा हाल होगा। हमें वो माउंटेन के ऊपर जाना है बिल्कुल, धनचौक 50 उमिंगला 25, और हम चाइना के बिल्कुल करीब पहुँच जाएंगे। जो धनचौक गांव है वो आखिरी गांव है हमारा, और इसके बाद चाइना शुरू हो जाता है। चाइना का एक ब्रिज नज़र आएगा, सामने चाइना वाले हैं और इधर इंडिया वाले हैं, तो ये फ़र्क है। और ये देख लीजिए व्यू, बहुत ही खूबसूरत व्यू है, और पूरा बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही है इसके नीचे से ऊपर अभी तक जितना हम आए हैं, पूरी आइस नज़र आ रही है इसके अंदर। यू आर रीचिंग उमिंगला। ओके, ये देखिए आइस, ओ हो, आप सोच सकते हैं कि कितना टेम्परेचर होगा यहाँ पे, जो पूरी वाटर स्ट्रीम ही जमी हुई है, और हाथ सुन हो रहे हैं बिल्कुल। अल्ट्रोस वो सामने, ये पूरा माउंटेन के ऊपर जाना है, ये सामने है उमिंगला, और पूरा पावर लग रही है बाइक में चढ़ाई में। हम मोर देन 19,000 हाइट पे चले जाएंगे वहाँ पे ऊपर, और ठंड को तो बहुत ही ठंड है, और बर्फ़ भी नज़र आने लगी है, लेकिन यहाँ ज़्यादा बर्फ़ नहीं गिरती जितनी जोजिला, शिंकुला और खादुंगला, चांगला, इन जगहों पर तो बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती। ये ड्राई एरिया है ज़्यादा। 1000 मीटर रह गया है
उंगला पहुंचने में, और उंगलियां सुन हो गई हैं, मुंह से भाप निकलने लगी है। अरे बाप रे, बहुत ठंडा है। खड़े कैसे होंगे वहां पे समझ नहीं आ रहा। एट लास्ट हम पहुंच गए हैं उमिंगला पास, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हो तो गाइस हम पहुंच गए हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हाँ तेरी तो ये है। वी आर वेलकम यू द हाईएस्ट मोटरवेल पास इन द वर्ल्ड उमिंगला, 19,024 feet। हायर द हिल स्ट्रोंगर द विल। और सबसे बड़ी बात है हमारी अल्ट्रोज पहुंची है, वो भी नोरबुला वाले रास्ते से। वी डिड इट, और हमने कर दिखाया है। और वो भी खतरनाक वाले रास्ते से। खतरनाक वाले रास्ते से हमने कर दिया है। मजा आ गया, बहुत ही एडवेंचरस रूट आज हमने लिया है नूरबुला का। तो ये देखिए हमारी दन्नो पहुंच गई है उमिंगला पास पे। बहुत ठंडे भाई। तो उमिंगला टॉप पे हम पहुंच गए हैं, और ये सामने है उमिंगले का बोर्ड, ये हमारी अल्ट्रोज खड़ी है। ओहो, और ये पूरे माउंटेन के टॉप पे है। ये ऑक्सीजन शेल्टर बना रखा है, ये हट बना रखा है। अरे बाहर जाते ही वो ठंड लगती है। ओहो, तो गए अब प्लान ये है कि अब हम डैम चौक जाएंगे, यहाँ से 26-27 किलोमीटर नीचे है तो लास्ट विलेज है हमारा इंडिया का, और उसके बाद चाइना शुरू हो जाता है।